गाइस, मैं हूं देबुलेना एंड वेलकम टू माय चैनल पॉप्सी गर्ल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी DIY फेस वॉश, और ये फेस वॉश हर एक स्किन टाइप के लिए बहुत ही अमेजिंगली काम करेगा। अगर आपकी ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है या अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, आप इस फेस वॉश को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि 7 डेज अगर आप ये फेस वॉश यूज़ करते हैं, हमारा होममेड फेस वॉश, देन आप अपने स्किन में एक अमेजिंग सा चेंज देखेंगे, एक अमेजिंग सा ग्लो नज़र आएगा आपके चेहरे पर, आपके जो भी स्किन प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगे, धीरे धीरे सॉल्व होंगे। एंड अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा की प्रॉब्लम है, देन वो भी दूर हो जाएगी यूजिंग दिस फेस वॉश। तो इस फेस वॉश में ऐसी क्या खासियत है? तो एक तो ऑब्वियसली आपके किचन में जो भी आइटम्स अवेलेबल है, आई एम श्योर कि जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं वो सब आपके किचन में मौजूद होंगे, हर किसी के किचन में वो अवेलेबल होंगे। तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इस फेस वॉश में यूज़ किए हैं वो सभी आपके स्किन ब्राइटनिंग में, स्किन वाइटनिंग में हेल्प करता है, अगर आपके दाग धब्बे पिगमेंटेशन है उनको लाइटन करने में हेल्प करता है, प्लस आपके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करने में हेल्प करता है। अगर आपके टैन हो गई है, अगर आपकी स्किन की कलर जो है वो डार्क हो गई है पहले से, या फिर आपके नेचुरल स्किन टोन जो है उससे डार्क हो गई है, देन आपका ये नेचुरल स्किन टोन लेकर आएगा नेचुरली। सो लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं कि हमारे फेस वॉश का बनाना कैसे है। सो फेस वॉश बनाने के लिए हमें सबसे चाहिए बेसन, यानी कि ग्राम फ्लोर। तो ये एक अमेजिंग सा बेस होता है, जैसे हमारा जो फेस वॉश होता है, कोई भी साबुन होता है उसमें बेस होता है जिसमें झाग निकलता है, राइट? एंड जब तक झाग ना निकले तब तक हमें चैन नहीं आता कि कुछ साफ हुआ है या नहीं। लेकिन बेसन आपका एक अमेजिंग सा क्लेंजर माना जाता है। सो बेसन एक अमेजिंग क्लेंजर है, इसको आप हम अपने फेस वॉश के साथ मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। सो 1 टेबल स्पून बेसन ले लेंगे, एंड बेसन से आपका टैन चला जाता है, आपकी पिगमेंटेशन, आपके डार्क स्पॉट्स लाइटन करने में हेल्प करता है। एंड देन हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट में, जो कि इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है यहाँ पे, तो ये है हमारा आटा। तो यहाँ पे मैंने व्हीट फ्लावर ले लिया है, आटा या फिर मैदा भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी आटा ले सकते हैं, जो भी जिससे भी आपके घर में रोटी पराठा या पूरी बनता है वही आटा आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि यहाँ पे आप मल्टीग्रेन वाला आटा यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज़ मल्टीग्रेन में कई कई टाइप के जो ग्रेन्स हैं वो यूज़ होते हैं, तो इसीलिए वो आपके स्किन के लिए सेंसिटिव हो सकता है। तो हम यहाँ पे ओनली प्योर आटा यूज़ करेंगे या फिर मैदा यूज़ करेंगे। आटा या फिर मैदा आपके स्किन वाइटनिंग में हेल्प करता है, स्किन ब्राइटनिंग में हेल्प करता है, ग्लो लेकर आता है आपके स्किन में। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, देन आपकी स्किन में एक ग्लो लेकर आता है, एक चमक लेकर आता है। एंड आटा एंड मैदा आपके स्किन के डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन को लाइटन करने में हेल्प करता है, प्लस ये आपके स्किन में हार्श बिल्कुल नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। सो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हल्दी। यहाँ पे आप कोई भी हल्दी यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग टर्मरिक या फिर कस्तूरी टर्मरिक, मैं यहाँ पे रॉ टर्मरिक यूज़ कर रही हूँ। रॉ टर्मरिक से आपके स्किन में जितने भी इन्फेक्शंस या फिर अगर पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम है आपको, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन या स्किन प्रॉब्लम है आपको, वो इसने ठीक हो जाता है हल्दी से। एंड ऑफ कोर्स हल्दी स्किन ब्राइटनिंग में काफ़ी अमेजिंग है, आपके टैन को रिमूव करता है, आपके स्किन में एक ग्लो लेकर आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे हल्दी यूज़ करेंगे एक चुटकी। तो यहाँ पे बेसन एंड आटा सेम प्रोपोर्शन में हम यूज़ करेंगे, एंड हल्दी यूज़ करेंगे एक चुटकी। एक चुटकी अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे रॉ टर्मरिक का 1 टीस्पून रॉ टर्मरिक का जूस ले लूँगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून हनी, यानी कि शहद। शहद भी आपके स्किन में ग्लो लेकर आता है, ब्राइटन अप करता है आपके स्किन को, एंड ब्लेमिशेस को लाइटन करता है, हल्का करता है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे लेमन जूस। लेमन जूस यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है आप इसे यूज़ नहीं करेंगे, और एल्स आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जिनकी स्पेशली ऑयली स्किन टाइप है वो इसे ज़रूर यूज़ करें लेमन को, इससे आपकी स्किन की जो ऑयल है वो रिमूव हो जाएगी। बेसन एंड लेमन से स्किन की ऑयलीनेस दूर हो जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पे लेमन यूज़ करेंगे। प्लस लेमन में एक ब्लीचिंग एजेंट होता है, नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट, वो आपके स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होता है अगर आप उसको सही अमाउंट में सही तरीके से यूज़ करते हैं। तो
तो लेमन ऐड करने के बाद बस हमारा ये फेस वॉश रेडी है. इसमें हम ऐड करेंगे, इसका पेस्ट बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे रॉ मिल्क या फिर रोज़ वाटर या फिर योगर्ट या फिर प्लेन वाटर, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं. मैं यहाँ पे रॉ मिल्क ऐड कर रही हूँ. रॉ मिल्क, योगर्ट, इन दोनों ऐड कर, ये दोनों में से किसी को भी अगर आप ऐड करते हैं तो आपकी स्किन को लाइटन करेंगे, ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा. ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, मेलास्मा की प्रॉब्लम जिनको है उनको रेगुलरली रॉ मिल्क यूज़ करना चाहिए टू गेट रिड ऑफ दोज डार्क स्पॉट्स या फिर जो ब्लेमिशेस है, देन पिगमेंटेशन है, वो झाइयाँ दूर करने के लिए आप डेली रॉ मिल्क एंड लेमन जूस का मिक्सचर अप्लाई कर सकते हैं. तो ये एक छोटा सा टिप था मेरी तरफ से. तो इनका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे. पेस्ट बनाने के बाद आप इसे यूज़ करेंगे अपने फेस पर. फेस पे कोई मेकअप नहीं होना चाहिए. अगर आपके फेस पर कोई मेकअप है देन आप मेकअप को सबसे पहले रिमूव कर लेंगे. अच्छे से रिमूव करने के बाद ही आप इसे यूज़ करेंगे. सो पूरा मेकअप जो भी आपके फेस में है वो सब दूर करने के बाद आप इस फेस वॉश को यूज़ करेंगे एंड देन मसाज करेंगे इसे 2 to 3 minutes के लिए एंड 5 minutes के लिए इसे ऐसे ही अपने फेस पर छोड़ देंगे विदाउट वॉशिंग इट, ताकि ये इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ये नेचुरल फेस वॉश है तो ये थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना काम करने में, थोड़ा क्लीन करने में, साथ ही साथ इसमें जो भी वाइटनिंग ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ है आपकी स्किन को मिलेंगी, है ना. तो 5 मिनट इसको छोड़ देंगे. 5 मिनट बाद इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे. उसके बाद वापस रब करने की, मसाज करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट स्टार्टिंग में अप्लाई करते वक्त 1 से 2 मिनट मसाज कर लीजिए एंड देन इसको 5 मिनट छोड़ के वॉश कर लीजिए. दैट्स इट. एंड इसके बाद आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लीजिए या फिर एलोवेरा जेल लगा लीजिए. बस आप इसे 7 दिन यूज़ कर लीजिए. 7 days आप इसको कंटिन्यूस दिन में 2 बार यूज़ कीजिए, सुबह उठने के बाद एंड रात को सोने से पहले. अगर आपके स्किन में कोई चेंज नहीं आया, आई मीन टू से कि कोई अच्छा चेंज नहीं आया, देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना. या और अगर चेंज आया और अमेजिंग चेंज आया देन ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मुझे भी शेयर करना इंस्टाग्राम में कि आपका बिफोर एंड आफ्टर कैसा रहा, रिजल्ट कैसा रहा. तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग सा रेमेडी लेके. अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.